YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। करनाल की बात करेंगे। करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में लोकतंत्र सुरक्षा मंच की ओर से युवा शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया। कुरुक्षेत्र से सांसद और लोकतंत्र सुरक्षा मंच के अध्यक्ष राजकुमार सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान राजकुमार सैनी ने लोगों को अपने संगठन के मुद्दों की जानकारी दी। इस दौरान राजकुमार सैनी ने बीजेपी पर कुछ लोगों के आगे सरेंडर करने का भी आरोप लगाया। राजकुमार सैनी ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सिस्टम का दोषी बताया। वहीं राजकुमार सैनी ने कहा कि मैं अभी बीजेपी में हूं, लेकिन जब उनका दिल होगा वो मुझे निकाल देंगे। वहीं अनिल विज की ओर से दिए गए नसीहत पर सैनी ने कहा कि अनिल विज विधानसभा में बैठकर उसमें ध्यान दे। लोकतंत्र सुरक्षा मंच के माध्यम से हम प्रदेश के अंदर हुए भेदभाव के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा में हुए तांडव के खिलाफ हम अपना जो प्रदेश के अंदर हुआ उसका विरोध इसलिए दर्ज कराया कि इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत वाली पार्टी भी कुछ लोगों के आगे सरेंडर कर गई और उनको आरक्षण देने के वायदे करने लगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द किया था। उस सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें एक राजनीतिक नए दल की गठन की जरूरत पड़ गई है।